हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इस पर्स को यहाँ तक बनाया था, तो चलिए अब आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसकी हम स्ट्रिप बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए 4 नंबर का क्रोशिया लिया है और यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाने के बाद 1, 2, 3, 4 दो बार यान को क्रोशिया के ऊपर लेके और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करना है। हो गया, फिर से 4, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से हमें इसको बनाते जाना है। फिर से लेंगे और ये देखिए, जितनी भी लंबी स्ट्रिप हमको चाहिए हम उतनी लंबी बना लेंगे पहले। तो ये देखिए, इस तरह से हमको ये बना लेनी है, जितनी भी लंबी चाहिए आप उतनी लंबी बना लें। ठीक है, मैंने इतनी लंबी बनाई है। उसके बाद एक इस कलर में, दूसरे कलर में भी हमें इसी तरह से बराबर बना लेनी है। देखिए, तो इन दोनों को अब हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ये स्पेस है इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे। इसमें हमने एक तरफ को, इस तरफ को धागा लंबा रखा है और दूसरी तरफ को भी यहाँ पे धागा लंबा रखा है पर्स के साथ अटैच करने के लिए। तो इस तरह से इसमें से निकालने के बाद यहाँ हमने निकाला है ये फर्स्ट, और इस फर्स्ट रिंग के अंदर से हमें इसे निकालना है ऐसे अंदर की तरफ से। ये देखिए ऐसे। फिर अब इसके, इस रिंग के अंदर से हमें इसको निकालना है, ग्रीन को। इस तरह से निकालेंगे आप, ये जो ग्रीन है इसके अंदर से हमें पिंक को निकालना है। आप इस पिंक से हमें ग्रीन को निकालना है, पिंक के अंदर की तरफ को इस तरह से ग्रीन को निकालेंगे। आप इससे भी कर सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे। अब ये ग्रीन के अंदर से पिंक को निकालेंगे। तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो आपका जो ये स्ट्रेप है वो इस तरह से बनती चली जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये स्ट्रेप तैयार हो गई। अब हमने ये इस तरफ को भी यान छोड़ी है और इस तरफ यान छोड़िए जिससे कि हम इसको बैग में अटैच करेंगे। ठीक, इस तरह से। तो चलिए अब हम बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे और 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। इसके बाद 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1, 2,
तीन और ये चार, इस तरह से चार टर्न कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस तरह से एक लूप में निकाल देंगे। फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन चेन बनानी है और यहाँ पे हम एक इस तरह से, उसके बाद फिर से एक दो तीन, फिर एक दो, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है अनकम्प्लीट वाला तीन बार और ये चार बार, इस तरह से चार बना लिए। फिर एक लूप में लेके लॉक करेंगे और एक दो तीन, यानी कि एक हमने लगा दिया था और उसके बाद ये तीन करके और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, एक दो तीन, एक दो तीन चार, तीन हो गए और यहाँ पे लॉक कर देंगे। एक दो तीन, एक दो तीन चार, दो तीन, वन मोर, एक दो तीन, एक दो तीन और ये चार, एक दो, एक हमने लॉक में ले लिया, दो इस तरह से बनाए तो तीन हो गए हमारे पास और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो बटन है, बटन कह लीजिए या फ्लावर कह लीजिए, वो रेडी हो गया। पहले हम ये यार्न को हाइड कर लेते हैं। और ये यहाँ पे इसमें हम मोती डाल देंगे, मोती इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको बटन को स्टिच कर लेंगे पक्का। अब ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मोती मतलब इसमें से नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत ही आराम से बटन बंद हो जाता है। ये देखना आप, बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगा और फिर अच्छे से बैग को होल्ड करेगा, बिल्कुल भी बैग आपका खुलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपका ये बटन लग जाएगा। इसी तरह से आपको स्ट्रैप लगा लेनी है, आपको इस तरफ से अंदर की तरफ से इसको बनाना है। ये देखिए, जो सेंटर वाली जो पॉकेट है, इसमें आप अंदर की तरफ से इसको निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए,
यहाँ पे हम बनाएंगे इसको। आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। और फिर यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। और कर लेते हैं। और यार्न को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप इस तरफ को लग गई। अब हमें दूसरी तरफ ये जो हमने यहाँ पे धागा छोड़ा है इसको नीडल में लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेंटर वाली पॉकेट में ही इसको अटैच करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे इस तरह से। लेने के बाद हमें इसको, यानी कि ये ग्रीन है तो ग्रीन के ऊपर हमें नहीं लाना है यार्न को, हमें पिंक के ऊपर ही इसको स्टिच करना है इस तरह। इस तरफ को ध्यान रखिएगा कि पिंक में ही हमारी जो सुई है वो पिंक कलर में ही निकले, ग्रीन के ऊपर ना आए, ठीक है। उसके बाद आप इस तरफ को ले आइए इसको तरह से। और यहाँ अंदर की तरफ हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ इसके साथ अच्छे से इसको लॉक करेंगे 2-3 बार, ताकि हमारी ये जो स्ट्रिप है वो निकले नहीं। 2 बार लॉक करने के बाद यार्न को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्ट्रैप्स लग गई। और अब हम इसके फ्लैप को बंद करेंगे। यहाँ पे एक एक करके निकालना है और बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। अगर आप इस तरह से फ्लावर बना के, क्रोशे से फ्लावर बना के नहीं लगाना चाहते तो फिर आप बाज़ार से रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और आराम से ये बंद भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो बैग है वो बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको आराम से आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से निकालेंगे एक एक करके, देखिए इस तरह से आप इसको आराम से खोल सकते हैं। और ये आपका 3 पॉकेट वाला जो बैग है वो तैयार हो गया। इसमें आप, इसमें काफ़ी कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो आप इसमें आराम से सामान रख सकते हैं। ये हमारा फ्लैप है और ये हमारी स्ट्रिप है। तो ये मैं फिर से आपको लगा के बता रही हूँ। मैंने ये आपको
बहुत पार लगा के और उतार के दोनों तरफ से दिखा दिया है कि कितनी इजीली लग जाएगा और कितनी इजीली ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको बहुत आराम से इस तरह से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं और अपनी ज़रूरी सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो गाइस ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।